नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सिंगरौली जिले में रिश्तों को तार तार करने वाले कलियुगी चाचा को आखिरकार मोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कलियुगी चाचा ने 2 माह पहले अपनी ही भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। फरार बलात्कारी चाचा पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। मोरवा पुलिस ने इसे उत्तर प्रदेश के चौपन से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पंजरे निवासी एक 13 वर्षीय बालिका ने अपने माता पिता के साथ थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। देर रात जब रिश्तेदार की बेटी शादी के फेरे ले रही थी तो रिश्ते में बड़े पापा उसके साथ एक सुने कमरे में ले जाकर रेप कर रहा था। TI मनीष त्रिपाठी ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। वहीं आरोपी चौपन रेलवे स्टेशन से मुंबई महाराष्ट्र भागने की फिराक में था, जिसके पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। TI मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी राजकुमार कोल ने जब बच्ची के साथ बलात्कार किया तो उसी दिन उसकी बेटी की शादी थी जिसमें ये पीड़िता शामिल होने आई थी। 2 माह पहले एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसके रिश्ते में चाचा ने उसके साथ रेप किया था। रेप करने के बाद वो फरार हो गया था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। पिछले 2 माह से वो फरार है और आज मोरवा पुलिस को सूचना मिली थी कि वो जंगल में है, जिसको घेराबंदी करके और उसको पकड़ा गया है। उसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम था।